तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप लोग प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हो। प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने का पूरा प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें प्ले स्टोर पर सर्च की होगी वे सारी आपकी सर्च हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। तो आपको प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए प्रोफाइल के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहां से प्रोफाइल के ऊपर में क्लिक करते हो तो ये वाली सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाती है। तो आप लोग को सबसे नीचे में सेटिंग के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग सेटिंग के ऊपर में क्लिक करते हो तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जनरल, आप लोगों को जनरल के ऊपर में क्लिक करना है। जनरल के ऊपर में क्लिक करने के बाद काफ़ी सारी सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाती है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ से देख सकते हो अकाउंट एंड डिवाइस, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग इसमें क्लिक करते हो तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जो कि आप लोग मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग यहां से देख सकते हो क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो यहां से आप लोग देख सकते हो क्लियर हिस्ट्री, आप लोग को क्लियर हिस्ट्री के ऊपर में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ से क्लियर हिस्ट्री के ऊपर में क्लिक करते हो तो आपकी प्ले स्टोर की सारी सर्च हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। यहाँ से मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हो आपकी प्ले स्टोर की सारी सर्च हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हो जाती है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो